बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं काम से वापस आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ जल्दी से नमाज़ पढ़ने। सीन कुछ ये है कि ईद नहीं हो रही, कल नॉर्मल रोज़ा होगा। सऊदीया से रिपोर्ट आ गई, यहाँ हम सऊदीया को फॉलो करते हैं, टर्की को या जो भी आसपास के मुल्कों को। तो खैर कल ईद नहीं है तो कल नॉर्मल रोज़ा चलेगा। अभी जाके मैंने ऑर्डर किया खाना, बोले कहेंगे इफ्तारी में खाने का ही मूड है आज। जो मैंने आपको लास्ट टाइम मशीन दिखाई थी उसके साथ हमारी मेरी ट्रेजेडी होगी, उसके साथ ये वाला चार्जर आया था। ये वाला चार्जर यहाँ के स्विचेस में नहीं लगता, यहाँ पे ये वाले स्विच चलते हैं ज़्यादा। तो सीन फिर कुछ इस तरह हुआ है कि मैं उसको यूज़ कर रहा था अगले दिन और मुझे डर लगा हुआ था कॉन्स्टेंट के यार अब मशीन बंद हुई, अब मशीन बंद हुई है। उसका हमने हल निकाल लिया, ये मैंने पहले ऑर्डर किया अमेज़न से, एक गलत प्लग आ गया लेकिन अब सही वाला प्लग आया। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। इस वक्त थोड़े से हमारे पास पार्सल आए हैं, ये हम खोलेंगे एक एक करके। इहान साहब भी मेरे साथ आके बैठ गए। आज घर में कारपेट क्लीनर है, हमने सारे घर के कारपेट्स की जो है ना ज़बरदस्त किस्म की सफाई करवा ली है। बड़ा ज़बरदस्त सा मुनासिब सा रेट होता है उसका, आ जाता है आके हफ्ते डेढ़ हफ्ते सॉरी महीने डेढ़ महीने दो महीने बाद जैसे ही ज़रूरत महसूस हो बुला लेते हैं आके काम करते हैं। खैर अभी ये डब्बे खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है जी। दिस इज़ द फर्स्ट आइटम, देख हमने बेकिंग करनी है उसके लिए थोड़ा से प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। दिस इज़ जस्ट अ डबल टेप। सेकेंड आइटम खोलते हैं। ओह ये एंड में देखेंगे। उफ इतनी कोई रैपिंग की हुई ना, समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या छुपाया हुआ है। ये मैंने जो है एक माइक का सेट मंगवाया, इट्स अ वायरलेस माइक। और इसकी जी खास बात ये कि वायरलेस माइक, ये वायरलेस माइक है। और इसका फ़ायदा ये है कि एक टाइम पे यू कैन कनेक्ट टू माइक्स टू योर कैमरा। इंटरव्यूज़ वगैरह करने हो तो उसमें यह है यू कैन कनेक्ट टू माइक्स टू योर कैमरा और उसमें बड़े आराम से कि ऑडियो का सोल्यूशन होता है। तो ये मैं खाली पे रखता हूँ। इहान जो है इस वक्त ये हमारे कोस्टर्स हैं, इनसे खेल रहा है। इसके ऊपर जो है हमने अपनी तस्वीरें जो हैं वो प्रिंट करवाई हुई हैं। एक वेबसाइट है फंकी पिजन, उसमें आप अपनी तस्वीरें भेज दें तो आपको अच्छे आइटम्स पर प्रिंट करके भेज देते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज कोई भी चीज़ बना सकते हैं। खैर जो मैंने चीज़ आपको दिखानी है विच इज़ दिस बॉक्स, जो कि एक न्यू काइंड ऑफ वॉलेट है। तो मैं अरसे से ये वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ और आदत होती है क्योंकि आपने पैसे वगैरह बहुत सारे रखने होते हैं, हज़ारों किस्म कार्ड्स होते हैं। लेकिन अब सीन ये हो गया कि मेरे सारे कार्ड्स जो हैं मेरे फ़ोन में होते हैं, बैंक कार्ड भी, और मुझे कैश ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। तो इस वॉलेट की अब मुझे उस तरह की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इट इज़ वेरी बल्कि एंड दिस इज़ द वॉलेट। और इसकी जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि इट्स का डिज़ाइन अगर जैसे आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी 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 स्लिम। तो ये इसकी टोटल थिकनेस है, इसका डिज़ाइन जो है बहुत स्लिम है, इसकी थिकनेस जो है वो इतनी सी है बिल्कुल। इस वजह से इसमें आप जितने मर्जी, वैसे तो आप बहुत सारे कार्ड भी रख सकते हैं लेकिन अगर जितने भी आप कार्ड रखें उसके हिसाब से इसकी थिकनेस एडजस्ट हो जाती है। बाकी इसकी लुक बड़ी शाइनी सी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और इसमें ये मनी क्लिप है, इसमें हमने कैश रखना। तो अब सीन ये हो गया कि यहाँ पे क्योंकि हम कैश इतना यूज़ ही नहीं करते तो कैश सारा का सारा फॉर एग्जाम्पल कल परसों मैंने एक वॉलेट होकर देखा, उसमें एक जैसे टोटल एक नोट है मेरे वॉलेट में। तो अगर आपके इतने ही कम नोट हो तो यू कैन ईजली क्लिप इट टू द बैक ऑफ दिस वॉलेट और ये अच्छा खासा टाइट है, कहीं नहीं जाता। और बाकी जो अपने अपने कार्ड्स रखने हैं वो आप इस वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। उसको उन्होंने आसान से तरीका बताया हुआ कि आप पहले इस कार्ड को निकालें, उसके बाद बैंक कार्ड में आपको अपना नहीं दिखाऊंगा लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास लॉयल्टी कार्ड है कोस्टा का, या मेरे पास लेट्स से बूट्स का लॉयल्टी कार्ड है, या मेरे पास अपनी साइकिलिंग की मेम्बरशिप है। तो ये सारे के सारे कार्ड्स यू कैन पुट इन दिस वॉलेट, कॉम्पैक्ट से वॉलेट में। तो ये इस वक्त मैंने अपने सारे के सारे कार्ड्स जो हैं इसमें डाली हैं एंड इसका टोटल पैकेज इतना सा बना है। और इसकी कैरिज इज़ वेरी ईजी, लुक्स नाइस ग्रेसफुल और आप कैंप भी लेके जा सकते हैं। और जो डेली यूज़ के कार्ड्स नहीं होंगे दे विल स्टे इन माय वॉलेट एट होम,
सो आप यू डोंट रिस्क लूजिंग देम. यार रोज़े यहाँ ऐसे ऐसे लंबे होते जा रहे हैं और अभी शाम के टाइम तो आपको ज़्यादा पता चल रहा है रोज़ा है. खैर देखा था मैंने टीवी पे कुछ लगा है, नहीं कुछ मिला, तो अभी मैं बैठ गया हूँ. मैंने कहा कि क्यों ना बैठ के एक आधी वीडियो एडिट कर ली जाए, तो मैं करूँगा. उसके बाद मैं खाना लेके आऊँगा इफ्तारी के लिए. देखिए भाई, तो थोड़ी सी हो गई है इमरजेंसी. हुआ ये कि वीडियो एडिट करते हुए मेरे ध्यान ही बिल्कुल नहीं रहा और मैं लेट हो गया हूँ इफ्तारी का ऑर्डर पिकअप करने के लिए. तो अभी मैं जल्दी से जा रहा हूँ इफ्तारी लेने. ओहो बेल्ट भी नहीं लगाई थी, बेल्ट तो लगाएं पहले. हम जल्दी से जाएंगे इफ्तारी लेने और बाकी बातें होती हैं इफ्तारी के बाद. 20 मिनट रह गए इफ्तारी में और देर हो गई तो मॉन्स्टर अनलीश हो जाएगा घर में. मजाक कर रहा हूँ. नहीं यार, भूख लगी होती है इफ्तारी के टाइम. खाना होना चाहिए घर पे खाने के लिए. पहुंच गए खाना लेने के लिए. नया वॉलेट तो डालना बनता है ना. उन्होंने शुक्र है लेट नहीं किया, खाना बना के रखा हुआ था और फौरन पकड़ के मैं ले आया. जल्दी से घर चलेंगे. अच्छा जी, तो हम जैसे तैसे करके फास्ट एंड फ्यूरियस, नीड फॉर स्पीड, टॉप गन, जो कहना चाहें, घर पहुंच गए और इफ्तारी बिल्कुल एक दो मिनट में होने वाली है. जाके जल्दी से इफ्तारी करेंगे. टर्किश फूड है, कोई खास चीज़ नहीं है. पहले आप लोगों ने देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ तो पीछे एक वीडियो खोल के देख लो. टर्किश फूड जो होता है ना, उसमें नमक बेतहाशा होता है और शदीद पानी की तलब हो रही है और चाय तो इस टाइम लाजमी चलती है. मैंने इफ्तारी की, उसके बाद मैं यहाँ के साथ खेला था, उसके बाद यहाँ साहब भी चले गए सोने. मेरा इरादा है कि मैं रात जाऊंगा. मैं अगर सो जाऊँ तो सिर्फ उठ के सहरी बिल्कुल नहीं होती. और बाहर इस वक्त शदीद गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, इतनी शदीद बारिश हो रही है कि आप सोच नहीं सकते. और साथ साथ बिजली भी चमक रही है और मौसम बहुत ही शदीद हुआ है. हम तो सोच रहे थे कि ईद पे शायद सूरज निकले तो हम कहीं बाहर जाएंगे घूमने फिरने दोस्तों के साथ. यहाँ तो लगता है कि ईद पे हम सी सर्फिंग ही करने जाएंगे शायद. वो भी नहीं यार, बहुत बुरे हालात हैं. तो खैर मैं बैठा हूँ, वीडियोज़ डाल लूँ चैनल पर, देखते जाओ, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों से शेयर कर लो. बस इजाज़त दो, फिर अब ईद पे मुलाकात होगी. पेशगी ईद मुबारक आप सबको एंड ईद पे मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.